सब्सक्राइब कीजिए सचिन द फिलोसोफर चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो आपको आते रहे। हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू आवर शो। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझदार कैसे बने। आखिर हमारी ज़िंदगी समझ के वजह से ही तो चल रही है। समझ एक ऐसी कंसेप्ट है जिसे जितना समझोगे उतना ये और गहरी होती जाएगी। समझ का काम दिमाग के लेवल पे चलता है। दिमाग यानी बुद्धि, इंटेलेक्ट। किसी बात को आप कितना बारीकी से करते हो या चीज़ों को कितना समझते हो, इसके आधार पे आपकी समझदारी का पता लगा सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं, लेकिन समझ किसी भी मान्यता में नहीं आती। इससे सिर्फ महसूस किया जाता है। समझ को लगातार बढ़ाने के लिए उपाय। अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए दो तीन बातें बताऊंगा। किसी भी बात को समझने के लिए सबसे बड़ी किसकी ज़रूरत होती है, उस एक चीज़ के बारे में सही जानकारी और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। केवल हर एक चीज़ को सही ढंग से तभी जाना जा सकता है जब आपका उस चीज़ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो। और एक बार कहता हूँ, केवल हर एक चीज़ को सही ढंग से तभी जाना जा सकता है जब आपका उस चीज़ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो और आपकी मानसिक सतर्कता। इन द पॉइंट वे, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्क, अबाउट योर एम, अबाउट योर लाइफ। जो भी काम आप कर रहे हो उसके बारे में आप क्या जानते हो, ये आता है पहले फर्स्ट स्टेप में, इन्फॉर्मेशन में। सेकंड है इमोशनल अलर्टनेस। इमोशनल अलर्टनेस यानी मानसिक सतर्कता। आपके काम के प्रति कितने मानसिक सतर्क हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है समझ को बढ़ाने के लिए। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके काम के प्रति कितने पॉजिटिव है, कितनी सकारात्मकता आपके अंदर उस काम के प्रति भरी हुई है। ये तीन चीज़ें ऐसे हैं, आप दुनिया में जहाँ भी जाओ, आप किसी भी फील्ड में काम करो, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन, अलर्टनेस और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये तीन चीज़ें अगर आपके हाथ में हैं, आपके पास है, तो आपको समझदार बनने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।